गुड मॉर्निंग बच्चों, निकाल जी फोर्थ क्लास की हिंदी की बुक। कल हमारा सेकंड लेसन कंप्लीट हो चुका था, जिसमें राजा सागर, अंशुमान, राजा दिलीप, भागीरथ और राजा सागर के 60,001 पुत्र की बात कही गई थी। किस प्रकार से वो धर्म के विरुद्ध जाकर कार्य करते थे, देवताओं को परेशान करते थे। देवताओं ने घोड़ा उठाकर कहाँ रख दिया था, कपिल मुनि के आश्रम के बाहर बांध दिया था। जब इनको पता लगता है तो कपिल मुनि के आश्रम में जाकर ये क्रोध से तिलमिला उठते हैं और कपिल मुनि को बुरा भला कहने लगते हैं। तो कपिल मुनि श्राप देते हैं और ये भस्म हो जाते हैं। तब अंशुमान आता है। अंशुमान क्या करता है, अंशुमान उनसे माफी मांगता है। और जब कपिल मुनि प्रसन्न हो जाते हैं तो आशीर्वाद के रूप में कहता है, जब तुम्हारा पुत्र होगा कौन, भागीरथ, वह क्या करेगा, जब गंगा को पृथ्वी पर लाएगा तो उस गंगा के स्पर्श से ये क्या हो जाएंगे, श्राप से मुक्त हो जाएंगे और वैकुंठ धाम को चले जाएंगे। इस प्रकार से ये कहानी आपको बताई गई थी। इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, देखिए मौखिक क्वेश्चन, मौखिक है पढ़ो और बोलो। इसमें केवल यही दे रखा है पढ़ो और बोलो, लेकिन आपको इन शब्दों को लिखना भी है और याद भी करना है, देखना है कि कौन सा शब्द कौन सी मात्रा कहाँ आ रही है। सॉरी, नीचे दिए गए प्रश्नों की मौखिक उत्तर दीजिए। इसमें भी ये बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन में भी कि मौखिक उत्तर देना है, लेकिन आपको करना क्या है, उनको लिखित रूप में करना है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप खुद लिखोगी, मैं आंसर लिखा रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, पौराणिक कथा के अनुसार गंगा कहां से निकली थी, स्वर्ग से, जिसे हम क्या कहते हैं, देवलोक भी कहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार गंगा देवलोक भी बोल सकते हैं और स्वर्ग लोग भी बोल सकते हैं। कहां से निकली थी गंगा, स्वर्ग से या देवलोक से निकली थी, देवलोक से निकली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा, यमुना और सरस्वती किस स्थान पर मिलती है, प्रयागराज नगरी में मिलती है। कौन से स्थान पर, प्रयागराज में। गंगा यमुना और इसको हम और नहीं बोल सकते, और तो ये होता है और इसको बोलते हैं। और का होता है दो शब्दों के बीच में, जिसको हम योजक चिन्ह के रूप में बताते हैं। योजक के रूप में ये शब्द का प्रयोग होता है, मतलब माता और पिता, भाई और बहन, इस प्रकार से और का प्रयोग किया जाता है। और का प्रयोग, इस और का प्रयोग कैसे किया जाता है, की तरफ, मतलब किस ओर जाना है, तो उसके लिए हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, गंगा यमुना और सरस्वती किस स्थान पर मिलती है, इलाहाबाद के प्रयागराज नगरी में मिलती है। गंगा, यमुना और सरस्वती इलाहाबाद के, यहाँ पे के भी लिख लेना, इलाहाबाद के प्रयागराज नगरी में मिलती है। ये कहाँ है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश में है, ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, संगम, जो तीनों का मिलन होता है ना, गंगा, यमुना और सरस्वती, जहां इन तीनों का मिलन होता है उसे हम संगम धार भी
कहते हैं, संगम धार के नाम से आज भी यह प्रसिद्ध है। और यहाँ क्या होता है, महाकुंभ का आयोजन भी किया जाता है, प्रयागराज में किया जाता है ना, 6 माह में तो किया जाता है अर्ध कुंभ का आयोजन और 1 वर्ष में किया जाता है महाकुंभ का आयोजन। अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, गंगा की माँ का क्या नाम था? गंगा की माँ का, गंगा के पिता का नाम क्या बताया था? हिमालय बताया गया है। उसी प्रकार गंगा की माता का नाम पूछ रहे हैं, गंगा पर्वतों के, गंगा पर्वतों के राजा, पर्वतों के राजा कौन है? हिमालय। पर्वतों के राजा हिमवान व उनकी पत्नी, उनकी पत्नी, यहाँ देखना आगे, उनकी पत्नी मीना की पुत्री है, मीना की पुत्री है। क्या नाम है माता का? मीना। गंगा पर्वतों के राजा हिमवान व उनकी पत्नी मीना की पुत्री हैं। इस प्रकार से आपकी तीनों क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम कल बात करते हैं। थैंक यू।